हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में राज्यपाल को भी नई नियुक्ति दी गई है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद झारखंड के लोक नृत्य तथा पर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2002 तक झारखंड का राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। दूसरा बने विनोद चंद्र पांडे, जो कि 4 फरवरी 2002 से लेकर के 14 जुलाई 2002 तक रहे। उसके बाद तीसरा एम रामा जेविस, जो कि 15 जुलाई 2002 से लेकर के 11 जून 2003 तक रहे। फिर हैं वेद प्रकाश मारवा, जो कि 12 जून 2003 से लेकर के 9 दिसंबर 2004 तक रहे। फिर हैं वेद प्रकाश मारवा के बारे में भी डिस्कस कर लिए। सैयद सिद्दे रजी, जो कि 10 दिसंबर 2004 से लेकर के 25 जुलाई 2009 तक रहे। फिर है केटेकल शंकर नारायण, 26 जुलाई 2009 से लेकर के 21 जनवरी 2010। उसके बाद सातवां नंबर का जो राज्यपाल थे MOH फारूक थे, जो कि 22 जनवरी 2010 से लेकर के 3 सितंबर 2011 तक रहे। डॉक्टर सैयद अहमद आठवां नंबर का राज्यपाल हैं, जो कि 4 सितंबर 2011 से लेकर के 15 मई 2015 तक रहे। उसके बाद झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, जो कि द्रौपदी मुर्मू थे, 18 मई 2015 से लेकर के 6 जुलाई 2021। यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू थे, वो अपने कार्यकाल से भी ज़्यादा दिन तक राज्यपाल झारखंड के बने रहे। उसके बाद अभी हाल ही में दसवां नंबर का राज्यपाल रमेश बैस जी को बनाया गया है, जो कि 7 जुलाई 2021 को बनाए गए हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है 2 अगस्त 1947 को हुआ है। रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, अगर द्रौपदी मुर्मू के भी बात की जाए, तो ये भी छत्तीसगढ़ की ही निवासी थी। और जो रमेश बैस हैं, उनका भी जो स्थानीय निवास है, वो छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है, अगर वेतन की बात की जाए कि राज्यपाल का वेतन कितना दिया जाता है, तो वर्तमान में 1,10,000 रुपया वेतन दिया जाता है। राज्यपाल के जो लिस्ट था दोस्तों, ये डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये सोच लेते हैं कि झारखंड में राज्यपाल अपना 5-5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं। नहीं, झारखंड में अभी तक 10 राज्यपाल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं, जो कि राज्यपाल के साथ कोरिलेट हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये भी जीके जी से पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्षों का होता है। ठीक है, मतलब जो उनकी समयावधि होती है कार्यकाल का, 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। पद का शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग का सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यानी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल ही उनका नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद का भी, महाधिवक्ता का भी, और लोक सेवा आयोग के सदस्य का भी। आगे है, राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व है, वो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, राज्यपाल का जो सीट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लिया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यपाल का सीट लिया गया है। ये विदेश से सीट नहीं लिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति वगैरह का जो सीट है अन्य देशों से लिया गया है, वैसा नहीं है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी चेंजिंग हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहला थे, जो कि 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक बने रहे।
दूसरा नंबर का जो मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा, 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 तक। शिबू सोरेन तीसरा नंबर पर 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक बने रहे। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो ये फिर से दोबारा चौथा में बने थे 12 मार्च 2005 से लेकर के 14 सितंबर 2006 तक। आगे हैं पांचवा नंबर का मधु कोड़ा, जो कि निर्दलीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, 14 सितंबर 2006 से लेकर के 23 अगस्त 2008 तक रहे हैं। छठे नंबर पर फिर दोबारा चांस मिला शिबू सोरेन जी को, जो कि 27 अगस्त 2008 से लेकर के 18 जनवरी 2009 तक बने रहे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक। फिर शिबू सोरेन जी को बनाया गया मुख्यमंत्री 30 मई 2010 से लेकर के 31 मई 2010 तक। आगे है फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है 1 जून 2010 से लेकर के 10 सितंबर 2010 तक। फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनते हैं 11 सितंबर 2010 से लेकर के 18 जनवरी 2013 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है झारखंड में 18 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक। फिर नवें नंबर का जो मुख्यमंत्री थे वो हेमंत सोरेन जी थे, यानी कि 13 जुलाई 2013 से लेकर के 28 दिसंबर 2014 तक बन चुके थे ये मुख्यमंत्री। दसवां नंबर पर जो मुख्यमंत्री बने थे वो रघुवर दास थे, 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 28 दिसंबर 2009, यानी कि जो सबसे अभी तक का सबसे लंबा अवधि तक मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव है वो रघुवर दास को प्राप्त है, यानी कि ज़्यादा दिन ये कार्यकाल पर कायम रहे। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो 11वां मुख्यमंत्री हैं, यानी कि हेमंत सोरेन जी, जो कि 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे। ठीक है, तो चलिए अब मुख्यमंत्री यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि झारखंड में कितने बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, यानी कि 1, 2 और 3 बार अभी तक शासन लागू हुआ है। सवाल ये भी आ सकता है कि हेमंत सोरेन जी कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 2 बार। अगर अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा भी 3 बार बन चुके हैं और शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। में शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है, यानी कि जो मंत्री परिषदों का गठन होता है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी जो है मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना बहुत अनिवार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, यानी कि 12 अधिकतम से अधिकतम मुख्यमंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री करता है। आगे है कि महाधिवक्ता के बारे में, वर्तमान महाधिवक्ता जो हैं राजीव रंजन जी हैं, पहले महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। राज्य सरकार को कानून संबंधित विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देते हैं। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितनी होनी चाहिए। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं, यानी कि अगर राज्य में राज्यपाल न हो तो महाधिवक्ता जो हैं राज्यपाल के कार्यभार को संभालते हैं। तो चलिए अब हम लोग झारखंड के संस्कृति के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, कला एवं संस्कृति, पर्व त्यौहार, पहला में है सरहुल। सरहुल का अर्थ होता है कि साल की पूजा। जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल है। गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। ग्रामीणों द्वारा सरना स्थान को घेरा जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व को मुंडा जनजातियों में बा पर्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर का त्यौहार है सोहराई का त्यौहार। संस्थान जनजाति द्वारा झारखंड राज्य की सबसे बड़ा त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार को मुख्यतः पशु धन से संबंधित है। संस्थान द्वारा किसान का त्यौहार भी कहा जाता है। तीसरा है कर्मा, भाद्रपद महीने में मनाया जाता है कर्मा को। हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है। बहनों द्वारा भाइयों के लंबी उम्र की कामना की जाती है इस त्यौहार में। अगला है हरियाण वर्ष, संस्थान जनजाति द्वारा सावन माह में मनाया जाता है यह पर्व को। आगे है टुसू पर्व, मकर संक्रांति के दिन पौष महीने में इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। कन्याओं द्वारा रंग बिरंगे कागजों से आकृति बनाकर नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। आगे है छठा नंबर का जो पर्व है मंडा पर्व। वैशाख महीने के अक्षय तृतीया को 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक
नंगे पांव जलते कोयले पर चलते हैं, ठीक है। भगवान शिव की उपासना इस व्रत में की जाती है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं सातवां नंबर का जो पर्व है झारखंड का, वो है सेंद्रा पर्व। उरांव जनजाति के प्रचलित वार्षिक समूह शिकार भी करते हैं इसमें, और इसमें उरांव जनजाति के प्रचलित त्यौहार है सेंद्रा पर्व। फगुआ पर्व, फागुन माह की पूर्णिमा को फगुआ पर्व को मनाया जाता है। होली, होली का झारखंडी रूप है फगुआ गीत का गायन होना, ठीक है। आगे है नवा जनी शिकार, 12 वर्षों में एक बार जनी शिकार होता है। महिलाओं द्वारा पुरुषों की वेशभूषा धारण करके शिकार खेला जाता है। दसवां है दीपावली, 12 वर्षों में एक बार ये पर्व आता है। ग्यारहवां है जीतिया, माताओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु उम्र की कामना के लिए की जाती है। फिर है चांडी पर्व, माघ माह की पूर्णिमा को उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर है रोहिणी, खेतों में बीज बोने पर रोहिणी पर्व मनाया जाता है। वंदना, कार्तिक अमावस्या के दिन पशु त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। योहिरा गीत गायन होता है इसमें। फिर है बहुरा, अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए बहुरा पर्व को मनाया जाता है। बुरु पर्व को दिसंबर महीने में मनाया जाता है। जावा पर्व को भाद्रपद महीने मनाया जाता है। अविवाहित आदिवासियों लड़कियों द्वारा अच्छी उर्वरता तथा गृहस्थी के लिए मनाया जाता है। भगता पर्व को बसंत तथा गर्मी के दौरान मनाया जाता है। बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। आगे है छठ पूजा, कार्तिक माह में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। तो चलिए अब हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उद्योग के लिए। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पश्चिम सिंहभूम। आगे है उसके बाद कि झारखंड में कुल कोयला भंडार कितना मिलियन टन है? तो 80,716 मिलियन टन। भारत का कौन सा राज्य और कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया BIADA का क्षेत्राधिकार है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया। झारखंड राज्य चांडिल डैम जल विद्युत योजना किस नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेतरहाट को। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ? तो 1976। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में है? तो लातेहार। सड़क मार्ग से हुंडरू से रांची कितना दूरी पर स्थित है? तो 45 किलोमीटर। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? अवरक। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब स्थापित हुआ? 1948। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 12। जमशेदपुर में पहली बार आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? 1907 ईस्वी। भारत में कोयला संसाधनों का 27% में एक नंबर स्थान रखता है झारखंड। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्र किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान प्रमंडल। आगे है किन चट्टानों को धातुक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 195 वर्ग किलोमीटर तक। हुंडरू फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए आगे और प्रश्न को देख लेते हैं। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम की। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची में स्थित है। कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो सरसों का बीज ज़्यादा उगाया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 5। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? बराकर नदी पर। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ, दूसरा गढ़वा में है। आगे है आबादी के मामले से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो धनबाद। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है कोरांबे को। झारखंड का पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तिलैया में। झारखंड में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 152। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत।
दलमा अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी है? दलमा हिल्स पहाड़ी। चतरा जिला की किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 99,100। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4,431 फीट। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा खरकई नदी। झारखंड की साक्षरता दर है अभी 66.4%। आगे है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। झारखंड की ग्रामीण आबादी 2,50,55,073 है। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। इससे जाति का जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? पलामू में। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क और भंडार का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। टिस्को की किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? नोवामुंडी।